हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 20 माइनस 10, जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 10 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 10 माइनस 5, जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 10 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 14 माइनस 7, जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 21 के इक्वल दिया गया है। और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 16 माइनस 8 किस चीज़ के इक्वल होगा, ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 20 माइनस 10, जिसका सम आपका इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे भी इक्वल दिया गया है 10 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 10 माइनस 5, जिसका सम आपका इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे सम इक्वल दिया गया है 10 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 14 माइनस 7, जिसका सम आपका इक्वल होगा 7 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे सम इक्वल दिया गया है 21 के इक्वल दिया गया है। और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 16 माइनस 8, जिसका सम आपका इक्वल होगा 8 के इक्वल होगा, और आपको यहीं पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स किसका, यहाँ पे आपके पास कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपली आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है इन दोनों नंबर को, माइनस करना है, यानी कि आपको माइनस करना है 20 माइनस 10 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा, और उसी 10 को आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नेचुरल नंबर से, जो कि आपका रहेगा 1 रहेगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 10 मल्टीप्लाई 1 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा, वो 10 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपके पास सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है इन दोनों नंबर को, माइनस करना है, यानी कि आपको माइनस करना है 10 माइनस 5 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा, और उसी 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट नेचुरल नंबर से, जो कि आपका यहाँ पर रहेगा 2 रहेगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 5 मल्टीप्लाई 2 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा, और 10 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है इन दोनों नंबर को, माइनस करना है, यानी कि आपको माइनस करना है 14 माइनस 7 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 7 के इक्वल होगा, और उसी 7 को आपको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट नेचुरल नंबर से, जो कि आपका यहाँ पर रहेगा 3 रहेगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 7 मल्टीप्लाई 3 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 21 के इक्वल होगा, और 21 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह सेम फॉर्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है इन दोनों नंबर को, माइनस करना है, यानी कि आपको माइनस करना है 16 माइनस 8 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 8 के इक्वल होगा, और उसी 8 में आपको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट नेचुरल नंबर को, जो कि आपके यहाँ पर रहेगा 4 रहेगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 8 मल्टीप्लाई 4 करना है, जिसका सम आपका इक्वल होगा 32 के इक्वल होगा, यानी कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहा है वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 32 आएगा। अगर हमने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दिस वीडियो।